हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल में। छात्रों के लिए एक राहत की खबर है कि AICTE ने एक निर्देश जारी किया और उसमें बोला है कि अब कॉलेज छात्रों पर अनावश्यक शुल्क का दबाव नहीं बना सकता है। छात्र केवल वही शुल्क पेड करेंगे जिसका वो सही उपयोग कर रहे हैं और इसके साथ ही फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फाइनल ईयर के सेमेस्टर परीक्षाओं से संबंधित कुछ खबर है, तो इन दोनों सूचनाओं को जानते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल में अभी विजिट किया है तो एक बार चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। जैसा कि लिखा हुआ, छात्रों से कॉलेज नहीं ले सकेंगे अनावश्यक शुल्क। छात्र जिस सुविधा का उपयोग करें उसी का शुल्क ले। कोरोना काल के दौरान हॉस्टल, ट्रांसपोर्ट जैसे शुल्क के लिए दबाव ना बनाए AKTU ने जारी किया निर्देश। आइए जानते पूरी सूचना क्या है। प्रदेश के इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट व फार्मेसी संस्थानों के छात्रों से अनावश्यक फीस नहीं ले सकेंगे। AICTE के निर्देश के क्रम में APJ अब्दुल कलाम ने अपने 755 कॉलेजों से कहा है कि वे विद्यार्थियों से उन्हीं चीजों का शुल्क ले जिनका वो उपयोग किया। उन्होंने विद्यार्थियों पर हॉस्टल, ट्रांसपोर्ट आदि का शुल्क ना दबाव ना बनाया जाए। उप कुलसचिव डॉक्टर RK सिंह ने कॉलेजों को कोविड-19 महामारी के दौरान दी जाने वाली सुविधाओं के शुल्क के निर्देश भेज दिए हैं। इसके साथ ही AICTE के निर्देश वाला पत्र भी भेजा और कहा है कि कुछ संस्थान विद्यार्थियों से उन चीजों का भी शुल्क ले रहे हैं जिनका उन्होंने कोरोना के दौरान उपयोग नहीं किया है। इसमें हॉस्टल, ट्रांसपोर्ट शामिल है। AICTE ने कहा है कि विद्यार्थियों से सिर्फ मेस ट्रांसपोर्ट के मेंटेन का भी शुल्क ले। कॉलेज सिर्फ उन्हीं चीजों का शुल्क ले सकेंगे जिसकी सुविधा उन्होंने विद्यार्थियों को कोरोना काल में दी है। विद्यार्थी काफी दिनों से इसकी राहत की मांग करे। काफी कॉलेजों ने विद्यार्थियों से परीक्षा के दौरान ही हॉस्टल आदि का पूरा शुल्क जमा करा लिया था। तो ये न्यूज जो है वो शुल्क के बारे में थी AKTU से, कि AKTU से संबंध जो कॉलेज है वो छात्रों से केवल उन्हीं का शुल्क ले सकेंगे जिसकी सुविधा उन्होंने कोविड-19 के समय दी, और एक्स्ट्रा कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। जैसे मेंटेनेंस चार्ज होता है, बिल्डिंग चार्जेस होते हैं, ये सब शुल्क अब AKTU से संबंध कॉलेज नहीं ले सकेंगे। अब चलिए बढ़ते हैं सेमेस्टर परीक्षाओं की तरफ। 3 महीने में पूरा होगा पहला सेमेस्टर। पूरी न्यूज जानते हैं। मार्च में आयोजित होगी प्रथम व द्वितीय वर्ष की परीक्षा। ये एकेडमिक कैलेंडर के अकॉर्डिंग है। APJ अब्दुल कलाम से संबंधित कॉलेजों के 9 प्रवेशित विद्यार्थियों का पहला सेमेस्टर 90 दिन का होगा। इन विद्यार्थियों की परीक्षा AICTE के निर्देश के अनुसार सबसे बाद मार्च में होगी, और यह कवायद इसलिए की जा रही है कि 2021 से नया सत्र जो है वो लाइन पे लाया जा सके। AKTU के प्रथम वर्ष में प्रवेश या तो हो चुके हैं या चल रहे हैं। विश्वविद्यालय के एकेडमिक कैलेंडर के अनुसार 24 नवम्बर से प्रथम वर्ष की कक्षा शुरू होनी थी। इसमें कुछ कॉलेज की कक्षा शुरू कर दी गई है जबकि कुछ में नहीं हुई है। विश्वविद्यालय की ओर से कॉलेजों को इस बात की राहत दी गई कि वे कक्षाएं ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में चला सकते हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए ऑनलाइन कक्षाओं पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। AICTE के नियम के अनुसार 90 दिन में कक्षा पूरी करा जाएंगी। दिसंबर, जनवरी, फरवरी में कॉलेज में नियमित कक्षा चला करके मार्च में जो एग्जाम कराए जाएंगे। पहले पिछले साल के छूटे विद्यार्थियों के कैरी ओवर के पेपर होंगे। तृतीय वर्ष व अंतिम वर्ष की परीक्षा फरवरी में व प्रथम व द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं जो है वो 20 मार्च तक प्रस्तावित है। इसी क्रम में 21 से 26 मार्च के बीच प्रथम व द्वितीय वर्ष के प्रैक्टिकल होंगे ताकि अगले सेमेस्टर मार्च अप्रैल में कक्षाएं नियमित की जा सके। कुलपति प्रोफेसर विनीत बंसल ने कहा कि नए सत्र 21-22 में प्रथम वर्ष के अधिकतर प्रवेश हो चुके हैं, इसलिए 24 नवंबर से शुरू करने के निर्देश कॉलेजों को दिए जा चुके। वे विद्यार्थी अभिभावक की सहमति से ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में कक्षाएं चला करके 90 दिन में कोर्स को पूरा करें और उसके बाद उनके एग्जाम चले। तो प्रथम वर्ष की कक्षाएं जो है वो 90 दिन में खत्म करके मार्च में उनके एग्जाम हो जाएंगे, जैसा कि न्यू एकेडमिक कैलेंडर के हिसाब था। तो AKTU से यही न्यूज थी आज के न्यूज पेपर में। और न्यूज के लिए चैनल के साथ बने रहिए। चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच।